पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयत्वदीपः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। शांति शांति शांति। ये तुम्हारे मोबाइल में नीमा ढींगरा का नंबर है? नीमा ढींगरा का जी। तो उनको बोलो, पूछ रहा है। उसमें वैष्णव आचार्य नहीं आते हैं, उनका संप्रदाय अलग है। तो वैष्णव जितने भी हैं उनका संप्रदाय अलग इस दृष्टि से है कि वो भक्ति मार्गी हैं, और ये जो सन्यासी हैं शंकराचार्य जी के शिष्य, ये ज्ञान मार्गी हैं। ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी में थोड़ा अंतर रहता है। तो ये जो 10 नामी सन्यासी हैं सबके सब ज्ञान मार्गी हैं, इसलिए ये उसी अनुसार का विचार करते हैं। वैष्णव लोग भक्त हैं इसलिए वो भक्ति मार्ग के अनुसार चलते हैं, तो इसलिए उनका अलग संप्रदाय ही है। अलग उनके यहाँ ऐसे नाम नहीं है, लेकिन उनके संप्रदाय के अनुसार उनके तिलक हैं और उसी अनुसार उनकी पहचान भी है। वो लोग प्रायः अपने नाम के साथ दास, शरण, प्रपन्न लगाते हैं। दास माने भी सेवक होता है, शरण माने जो शरणागत हो वो होता है, और प्रपन्न माने भी शरणागत होता है। तो वो लोग अपने नाम के साथ इन अक्षरों को जोड़ते हैं। तो जो रामानुज हैं वो लोग अपने नाम के साथ प्रपन्न लगाते हैं, अमुक प्रपन्नाचार्य। और जो रामानंदी हैं वो अपने नाम के साथ दास लगाते हैं, ज्ञान दास, हनुमान दास, रामदास, ऐसे महात्मा होते हैं। ये जो नृत्य गोपाल दास, दास शब्द लगा रहेगा। निम्बार्क संप्रदाय वाले जो हैं वो शरण लगाते हैं, अमुक शरण, अमुक शरण, अमुक शरण, अमुक शरण, ये उनकी पहचान है। ठीक है ना? उनमें 4 संप्रदाय हैं, चतुर संप्रदाय इकट्ठा हो जाते हैं वैष्णव के नाम पर। 4 संप्रदाय हैं, वल्लभ वाले, निम्बार्क वाले, रामानुज वाले और मध्व वाले। रामानुज का ही एक विभाग, रामानुज की ही एक शाखा रामानंद है, जो रामानुज में ही आते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा अलग है। वर्णाश्रम को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं जो भगवान का हो गया वो भगवान का हो गया, अब उसमें क्या वर्ण। और जो रामानुज ही हैं वो वर्णाश्रम को, वैदिक संप्रदाय होने के कारण वो वर्णाश्रम को मानते हैं, इसलिए कार्यकार्य का विभाग उनके यहाँ होता है। ये ब्राह्मण ही पूजा करेगा, ब्राह्मण ही भोजन बनाएगा, ब्राह्मण ही परोसेगा, इस तरह का विचार उनके यहाँ है रामानुज में। जो रामानंद वाले संप्रदाय वाले हैं वो सिद्धांत रूप से इसको नहीं मानते, वो कहते हैं कि जो भगवान का हो गया वो हो गया। रामानंद का प्रमुख वाक्य है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो वहाँ जात पात पूछी नहीं जाती, लेकिन सिद्धांत रूप से यह निरूपण करने के बाद भी व्यवहार में मानते हैं, मतलब दिखाई देता है कि जो मुख्य स्थान हैं उन स्थानों पर वो सबको नहीं जाने देते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में विचार करते हैं, क्योंकि संस्कार है, संस्कार कहाँ चला जाएगा। सिद्धांत जैसा भी हो, जो संस्कार है वो भी तो बोलता है, ये बात है। तो ये चतुर्थ संप्रदाय कहा जाता है। ज्ञान मार्ग बड़ा, भक्ति मार्ग बड़ा कि कर्म मार्ग बड़ा, ऐसा प्रश्न है। भगवान कहते हैं कि सब मार्ग अपनी अपनी जगह बड़े हैं, है ना? जिसको जो रुच जाए, कई रास्ते क्यों बनाए जाते हैं, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, तो जिस रास्ते को आप पसंद कर लें। लोगों की रुचि भिन्न होती है, अगर उनके सामने एक ही वस्तु हो तो उतना प्रसन्नता उनको नहीं होती है, और अगर 2-3 विकल्प रख दिए जाएं तो उनमें से एक चुन लेते हैं। दुकान वाला क्या करता है, एक अच्छी साड़ी आपको अगर आपकी बहन माता आपके साथ जाए खरीदने तो उसको दिखाए तो उसको पसंद नहीं आएगी,
और अगर 25-30 साड़ी के साथ वही साड़ी रख दे तो वो साड़ी पसंद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने 25 में से एक चुना है, इसलिए हमको पसंद है। और अगर वही मिल जाए तो मजबूरी समझा जाएगा। तो चुनने का जो आनंद है वो अलग ही है। इसीलिए भगवान ने भी 3 रास्ते आपके सामने बना दिए हैं कि आप कोई भी रास्ता चुन करके उससे अपनी साधना को शुरू कर सकते हो। और हमने बता दिया आपको कि 3 मार्ग का मतलब क्या है। 3 तरह की समझ हमारी है। एक समझ है कि ये संसार सत्य है, तो जिनके लिए ये संसार सत्य है उनके लिए कर्म मार्ग है। एक समझ है कि ये संसार असत्य है, तो जिनके मन में ये बात समझ में आ गई उनके लिए ज्ञान मार्ग है। और एक दूसरे हैं बीच वाले, जिनको कभी तो संसार सत्य लगता है और कभी असत्य लगता है, उनके लिए भक्ति मार्ग है। ठीक है ना। जो कर्म मार्गी है वो हिम्मती आदमी है, पुरुषार्थी है। वो सोचता है मैं अपने पुरुषार्थ से कर लूँगा जो कुछ करना है, अपने पर भरोसा है उसको। जो ज्ञान मार्गी है उसको भी अपने पर भरोसा है कि मैं पार पा लूँगा। ये जो भक्ति मार्गी है ये बेचारा कमज़ोर है, इसके ऊपर इसमें भरोसा नहीं है। तो भरोसा न होने के कारण ये किसी का अवलंब लेता है, तो ये अपने भगवान का अवलंब ले लेता है कि हे भगवान मैं तुम्हारी शरण में, अब तुम रक्षा करना। मेरे अंदर तो शक्ति ज़्यादा नहीं है, मैं तो बहुत कम शक्ति वाला हूँ, कम सामर्थ्य वाला हूँ। आप में अनंत शक्ति है, इसलिए आपकी शरण लेकर के मैं निश्चिंत हो गया। ये माने वो भी ताकतवर हो जाता है, लेकिन भगवान का सहाय लेकर के, स्वयं में उसको उतनी शक्ति नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं कर पाता। तो इस संसार में 3 तरह के लोग देखे जाते हैं, 2 तरह के। एक हिम्मती होते हैं, तो जो हिम्मती होते हैं वो अपना व्यापार वगैरह करते हैं, साहस करते हैं, घाटा लगेगा तो सह लूँगा, फ़ायदा भी तो हो सकता है, तो क्यों फ़ायदा ना सोचूँ, ऐसा सोच करके वो कूद पड़ते हैं। और दूसरे होते हैं कि नहीं भैया ना, हम तो नौकरी करेंगे, अपनी सैलरी फिक्स, बाकी आग लगे हमें मतलब नहीं। दो तरह के लोग हैं। इसी तरह से अध्यात्म में भी ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के अनुसार व्यवस्था बनाई गई है, ताकि जिस प्रकृति का हो उसी प्रकृति के अनुसार उस तरह का रास्ता अपना करके अपना कल्याण कर सके। भगवती तक पहुंचने का रास्ता यह है कि पहले तो भगवती की महिमा का ज्ञान हमको हो और भगवती हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाए। कितनी महत्वपूर्ण? इतनी महत्वपूर्ण कि उनके लिए हम बाकी चीज़ों को छोड़ सकें, बाकी चीज़ें हमारे लिए तुच्छ हो जाएं और वो महत्वपूर्ण हो जाए। हमने कल उदाहरण में बताया था कि जैसे लड़का लड़की आजकल प्यार कर लेते हैं, प्यार करके सब घर वालों को ठोकर मार के उस लड़का लड़की के साथ चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि इतनी महत्वपूर्ण वो लड़की या इतना महत्वपूर्ण वो लड़का हो जाता है कि लड़की लड़का माता पिता का भी ध्यान नहीं रखते, बाकी की तो दूर बात है, उनको भी ठोकर मार के चल देते हैं। तो इतना ही महत्वपूर्ण जैसे वो व्यक्ति हो गया, उसके लिए आपने सब घर परिवार अपनी जात तक छोड़ दे रहे हैं, अपना धर्म तक छोड़ दे रहे हैं। वो कौन लड़की थी, वो चली गई है पाकिस्तान में फेसबुक से प्यार करके, अखबार में हमारे बाथरूम में अखबार जो लगा है उसमें समाचार है, तो हम उसको रोज़ पढ़ रहे हैं तो वो चली गई है। अब उसने अपना देश छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया, अपनी जात छोड़ दी, अपने माता पिता भाई बहन घर परिवार सब छोड़ दिया किसी एक लड़के के लिए। इसका मतलब वो लड़का कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए, कि उसके लिए सब कुछ छोड़कर चली गई और कोई पछतावा नहीं। इसी तरह से जब भगवती हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाएं कि उन्हीं के लिए हमारा सब कुछ दिल धड़कने लगे, बाकी सब गौण हो जाए, कब छूटा कब नहीं छूटा पता ही ना चले, तब ना मिलेंगे भगवती। ऐसे सरल है। जब एक लड़का बिना सब कुछ छोड़े नहीं मिल रहा है जो संसारी है, तो ये परांबा कैसे मिल जाएगी? जब तक हम दूसरी चीज़ों को पकड़े हुए हैं, जब तक अंधेरा रखोगी आप कमरे में तब तक उजाला नहीं आएगा, और जब तक उजाला रखोगी तब तक अंधेरा नहीं आएगा। इनकी समस्या है, जब तक संसार रखोगी तब तक भगवान नहीं आएगा, और जब भगवान रखोगी तो संसार गायब हो जाएगा। अब आप चाहें कि अंधेरा उजाला दोनों रख लें। अधिकतर लोग यही गलती कर रहे हैं, संसार के लोग
वो सोचते हैं कि संसार का भी आनंद ले लें और भगवान का भी आनंद ले लें। नहीं, दोनों का आनंद लेना चाहते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए या तो संसार का आनंद लो विषय आनंद, और या तो भगवान का आनंद लो ब्रह्मानंद भगवद आनंद, दोनों में से एक ही हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अब लोग यही समस्या है कि लोग दोनों एक साथ चाहते हैं, दोनों एक साथ नहीं है। प्रकाश और अंधकार की तरह से परस्पर विरुद्ध हैं। ये जो संसार है यानी कि दृष्टि से यह माया है, और माया से अतीत हैं भगवान, तो माया और माया अतीत दोनों को एक साथ कैसे रखोगे? माया में मायातीत मिला रहेगा, ये बात सही है, लेकिन मिलेगी तो माया ही नहीं। तो जैसे व्यक्ति है उसमें उसका प्राण है, तो प्राण दिखता तो नहीं है लेकिन उसका तात्पर्य तो है। लेकिन अगर हम भौतिक रूप से किसी से मिलना चाहेंगे तब तो हाथ से हाथ मिला सकते हैं, पैर से पैर मिला सकते हैं, छाती से छाती मिला सकते हैं, मुँह से मुँह मिला सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या मिला लेंगे? प्राण से प्राण कैसे मिला दोगे? कोई उपाय है? जब प्राण से प्राण नहीं मिला सकते तो फिर आगे कैसे होगा? तो इसलिए संसार से संसार ही मिलेगा। इसलिए जो भगवान की राह में चलना चाहता है उसको भगवान के प्राप्ति की इतनी बलवती इच्छा हो कि सब कुछ भूल जाए तो भगवान मिल जाएंगे। और उनको मिलने में देर नहीं लगती क्योंकि वो पास ही में हैं हमारे, मिलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि वैसी नहीं है। ये बात नहीं समझ में आया आपको कि नहीं? कि हम बोलते ही जा रहे हैं, समझ में बात आनी चाहिए तब ठीक है। और कोई साधना पथ में, महाराज जी साधना पथ में ये सुधा पिपासा की जो समस्या एक प्रमुख समस्या मतलब अनुभव में आता है, तो इससे कैसे विजय प्राप्त किया जाए? कि देखिए उद्धव जी ने कृष्ण से यही पूछा है 11वें स्कंद में, आप भागवती ले लीजिए जरा उसका एक बार पारायण करिए। उन्होंने कहा कि ये जो क्षुधा पिपासा है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसका क्या करें? तो वहाँ पर उन्होंने भगवान ने कहा कि हम साधना बताए देते हैं तुमको, है ना? तो तीन ये संसार जो है, इस संसार में छह तरंगे हैं, संसार रूपी समुद्र की छह तरंगे हैं। कौन कौन सी? दो मन की हैं, दो शरीर की हैं और दो प्राण की हैं। जो शरीर की दो तरंगे हैं वो यही हैं क्षुधा पिपासा। अगर आप शरीरधारी हैं तो आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, शरीर जो है वो चाहता है ऊर्जा ताकि वो सक्रिय रह सके, काम कर सके, बैटरी रिचार्ज होना चाहती है, क्योंकि जैसे ही वो काम करती है वैसे ऊर्जा समाप्त होती है तो फिर से ऊर्जा चाहिए उसको। ऐसे शरीर जो है ये चार्ज होना चाहता है, जब ज़्यादा परिश्रम करो तो डिस्चार्ज हो जाता है ना? इसीलिए रात को निढाल होकर पड़ जाता है तो उसमें चार्ज होता है, खाए पिए रहे तब। केवल सोने से नहीं होगा, ये नहीं कि हम रोज़ सो लिया करेंगे रिचार्ज हो जाएंगे। सोने का मतलब तो यह है कि चार्जर में लगा के स्लीप मोड में कर दिया, क्योंकि चार्जर में लगे हुए में अगर बात करोगे तो ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। तो इसी दृष्टि से सुला दिया वो खाना पचाने के लिए, क्योंकि भोजन जो है अगर खा लिया और आप सोए नहीं तो पचेगा नहीं भोजन, ये भी जान लीजिए। भोजन जो है सोने से पचता है क्योंकि उसको पचाने में बहुत ताकत लगती है। अगर आप उसी समय बहुत सारे दूसरे काम करते रहेंगे तो पचाने वाला जो यंत्र है, मशीन है, उसमें उतनी ऊर्जा नहीं जाएगी तो वो उतना काम नहीं कर पाएगा, लीवर जो है वर्क नहीं करेगा। जैसे जब पहाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं तो एयर कंडीशन बंद कर देना पड़ता है गाड़ी का, क्योंकि अगर एयर कंडीशन में भी बिजली देता रहेगा गाड़ी का आर्मेचर तो परिणाम यह हो जाएगा कि बंट जाएगी उसकी ऊर्जा, और बंट जाएगी तो कमज़ोर पड़ जाएगी तो फिर वो चढ़ेगी नहीं। तो इसीलिए पहले ही बंद कर देना पड़ता है ताकि इस पूरी ऊर्जा चढ़ने में लगे, सहज में चलते समय भले चला लें गाड़ी। उसी तरह से जब आप काम करते हुए भोजन पचाते हैं तो आपकी आधी ऊर्जा काम में, आधी ऊर्जा भोजन पचाने में लग जाती है।
और जब आप सारे काम छोड़ करके केवल भोजन पचाना शुरू करते हैं तो पूरी ऊर्जा भोजन पचाने में लग जाती है। इसलिए जैसे ही आप लेटते हैं और जैसे ही आपको नींद आती है वैसे पाचन संस्थान बड़ी तेज़ी से काम करने लगता है। इतना तेज़ी से सिर्फ कह नहीं सकते हैं, बहुत काम रहता है उसका। दिन में जितना आप काम करते हैं उसका कई हजार गुना काम उसका रहता है। बहुत सूक्ष्मता के साथ मशीनरी काम करती है, तब जा करके 6 घंटे में आपका भोजन वो ठीक से पचा पाती है। तो आपको ये ज़रूरत है। तो सोना तो भोजन पचाने के लिए है, असल में भोजन से ऊर्जा मिल रही है ना। तो वो जो भोजन है वो आपको रोज करना पड़ेगा। तो ये शरीर की 2 तरंगें हैं, इसी तरह से प्राण की 2 तरंगें हैं। वो कौन सी हैं? जरा व्याधि है? हाँ नहीं नहीं, जरा व्याधि तो शरीर की है। प्राण की है, हाँ ठीक कह रहे हैं। ये प्राण जो है उसकी ये 2 तरंगे हैं। जरा व्याधि जो है बुढ़ापा और व्याधि मृत्यु, जरा मृत्यु, जरा और मृत्यु, ये दोनों शरीर की तरंगे हैं। क्षुधा पिपासा प्राण की तरंगे हैं, और शोक और मोह ये मन की तरंगे हैं। तो ये 6 तो शरीरधारी को रहेंगे। जो मन वाला है उसको शोक और मोह होगा, मेरा मन यहाँ चला गया, मेरा मन यहाँ चला गया, मेरे मन में जो बसा था वो मर गया, अब शोक हो रहा है। मेरे मन में जो बसा है उससे मैं दूर जा रहा हूँ, ये मोह हो रहा है, नहीं जाना चाहता। तो शोक मोह जो है मन की तरंगे हैं, और क्षुधा पिपासा प्राण की तरंगे हैं। इसी से प्राण आपका बलवान रहता है, बल रहता है आपके अंदर। तो ये तो रहेगा, जब कब तक रहेगा? जब तक शरीर है। तो इसका तरीका ये है कि इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। शरीर की तरंग है, अपना काम करते हुए, जैसे गुड़ पकाने वाला व्यक्ति जब कड़ाहे में रस डाल दिया जाता है तो बैठ करके कड़ाहा में चलाता रहता है, बीच बीच में ऐसे पत्तियां ले करके ऐसे छोंक देता है तो भाड़ में जलने लगती हैं और उधर सीरा पकने लगता है। तो ऐसे ही जब तरंग आ जाए तो अपना थोड़ा सा झोंक दिए, काम खत्म। इसके लिए ज़्यादा क्या, जो पत्ती वत्ती मिल जाए अपना सूखी साखी रखी हुई है, पहले से लोग इकट्ठा करके रखे रहते हैं, बस यूँ पकड़ते हैं, यूँ झोंक देते हैं, एक लकड़ी रखते हैं उससे और ऐसे कर देते हैं काम पर। तो इसलिए जैसे ही भूख लगे अपना झोंक झाँक दिए, जो मिल गया वो झोंक दिए, जो मिलेगा वही खाएगा। जब कुछ नहीं मिलता है ब्रह्मचारी जी तो मिट्टी भी खा लेते हैं लोग। भूख बड़ी कठिन चीज़ है, हम लोग तो उसका अनुभव ही नहीं कर पाए कि भूख क्या होती है। जब भूख, असली भूख जब लगती है तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मिट्टी भी खा लेते हैं लोग, मल तक खा लेते हैं। जब अपना मल मूत्र उसको खा लेते हैं, जो सैनिक हैं अगर कहीं ऐसी जगह पे फंस गए जहाँ कुछ खाने को नहीं, तो उनको सिखाया जाता है सैनिकों को कि आप कीड़े मकोड़े पत्तियाँ छाल पेड़ की मिट्टी ये सब खा सकते हैं, प्राण धारण किए रहना जरूरी है। और अगर कुछ ना मिले तो कम से कम मलमूत्र तो रहेगा, तो अपना ही मल उसी को खा लो, उसमें भी कुछ ताकत रहती है, क्योंकि उसी को खा के दूसरे कीटाणु फिर भी अपना काम करते हैं, तो उसी को खा लो और मूत्र को ही पी लो, यहाँ तक जाना पड़ता है, समझो आप। ऐसी भूख है, इस भूख का क्या करोगे? तो बड़ी कठिन है, इसलिए इसकी कठिनाई तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही समय हो 24 घंटे में एक बार भूख लगती है। ये दो तीन बार जो लोग खाते हैं ये तो विलासिता है, असल में एक बार शरीर को जरूरत है। कष्टात कष्टतरा क्षुधा है ना, ये कहानी है। वहाँ पर जो कांधारी थी वो जब सारे मारे गए तो रोने लगी कि मेरे सब बेटे मारे गए,
तो भगवान कृष्ण आए उसको सांत्वना देने के लिए, पीठ पे हाथ फेरा, गांधारी जी शोक मत करिए, ये तो होनी थी, और आप तो छत्राणी हैं, छत्राणी को वीर गति प्राप्त हुए पुरुषों पर गर्व होना चाहिए, आप क्यों रो रही हैं। तो बोली कि हाँ बात सही, कुछ ढाढ़स उसको हुआ। उन्होंने कहा आप ठीक है, थोड़ा सा शांत हो जाइए और लीजिए कुछ खा पी लीजिए। बोली ना, मेरे सौ पुत्र मारे गए हैं, मैं क्या भोजन करूँगी, किसी हालत में नहीं खा सकती। बहुत आग्रह किया भगवान ने कि कुछ खा लो कुछ पी लो, मना कर दिया कि जब तक संस्कार नहीं हो जाता है तब तक तो मैं खा ही नहीं सकती। भगवान मुस्कुराए और चले गए। अब वो अपने पुत्रों के शव के साथ वहीं बैठी रही। अब धीरे 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 समय बीता और उसको भूख लगी, और इतनी तेज भूख लगी कि कह नहीं सकते। फिर उसने सोचा क्या करें क्या करें, पट्टी तो हटा ही चुकी थी। तो एक जहाँ युद्ध क्षेत्र था उसमें एक बेर का पेड़ दिखाई दिया थोड़ी दूर के ऊपर, कि बेर का पेड़ है, उसमें कुछ बेर के फल हैं। तो उसने सोचा यही खा लेती हूँ। तो गई जा करके बेर के पेड़ में से बेर तोड़ना चाहती थी, तोड़ नहीं पा रही। सोची क्या करें क्या करें, कुछ दिखा नहीं। तो उसके पुत्रों के जो शव पड़े थे उन्हीं को घसीट घसीट के ला करके एक के ऊपर एक छल्ली लगाया, अपने पुत्रों के शव के, और छल्ली लगा करके उसके ऊपर खड़ी होके तोड़ने लगी। इतने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अरे गांधारी क्या कर रही है, बहुत लाज आई उसको। पत्थर सी थोड़ी देर तक तो पत्थर बन गई, लेकिन फिर जब उसको ध्यान आया तो हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी हो गई। बोली महाराज वासुदेव जरा कष्टम, पहले मैं समझती थी कि बुढ़ापा कष्ट है, मेरे बुढ़ापा शरीर में आ रहा था तो घुटने दर्द करते थे, जितनी तेज़ी से मैं पहले उठ चल सकती थी नहीं उठ पा रही थी, जितना चलती थी नहीं चल पा रही थी, जो खाना चाहती थी खाना पचाना नहीं हो रहा था, तो मैं समझती थी कि बुढ़ापा सबसे बड़ा था। और एक धारणा जो हमारे मन में आरंभ से बचपन से बनी हुई थी कि निर्धन का जीवन बड़ा कष्टकारी है, इसलिए राजा के यहाँ राज परिवार में मैं रही। तो पहले मेरी धारणा थी कि निर्धन जीवन कष्ट है, फिर मेरा ध्यान गया कि निर्धन जीवन नहीं, संपन्न जीवन हो तब भी बुढ़ापा कष्ट है। वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवितम, पुत्र शोकम महाकष्टम। अब जब यह मेरे पुत्र मारे गए तो मेरा बुढ़ापे का कष्ट भी मेरा पीछे हो गया। मैंने जाना कि इससे भी बड़ा कष्ट जो है पुत्र का मारा जाना, पुत्र शोक। और अब ये जो पुत्र शोक है सबसे बड़ा कष्ट इसको मैं मान रही थी, लेकिन अब पता चला कष्टात कष्टतरा क्षुधा, सबसे बड़ा कष्ट संसार में भूख है, इससे बढ़ के दूसरा कोई कष्ट नहीं, इसलिए महाराज मेरे को क्षमा कर दीजिए। तो जिन पुत्रों के लिए शोकार्त थी, भोजन उसको रुच नहीं रहा था, उन्हीं पुत्रों के शव के ऊपर चढ़ करके बेर का फल तोड़ रही थी। सोची ये भूख की दशा है, तो इसलिए इस दशा में पहुंच जाए कि हम निर्मम हो जाएं, कुछ भी करने लगें, अभक्ष भक्षण करने लगें, उससे अच्छा है कि जब भूख लगे तो सात्विक भोजन जहाँ मिल जाए उसको स्वीकार करके अपना झोंक झाँक के आगे बढ़ो, उसमें ज़्यादा देखो मत, और ये मत देखो कि स्वाद है कि नहीं, ये मत देखो कि पोषण है कि नहीं। शरीर तो पोषण ले ही लेता है। 17 साल तक एक गुजरात में जानी बापू थे, जानी बापू ने 17 साल कुछ नहीं खाया, कुछ पिया नहीं, 17 साल केवल सूर्य की किरणों में धूप में बैठ जाते थे, शरीर चार्ज हो जाता था। तो ये जो लोगों के दिमाग में है ना कि बादाम खाने से ताकत आ जाएगी, पिस्ता खाने से ताकत आ जाएगी और मलाई खाने से ताकत आ जाएगी, ये सब झूठ है, बहुत ज़्यादा इसमें तात्पर्य नहीं है। हम लोगों ने देखे हैं सूखी रोटी खाने वाले पहलवान और बादाम और मलाई चाटने वाले पहलवान भी देखे हैं, ज़्यादातर मलाई खाने वाले रोगी होते हैं क्योंकि पचा नहीं पाते। असल में शरीर में जो वस्तु जाए भोजन उसको शरीर को चूसना आना चाहिए,
शरीर अगर उसमें से तत्व खींचना जानता है तो फिर वो पुष्ट रहेगा, और नहीं तो कितना डाल दो, अगर चूस नहीं सकता, उसमें से पोषण निकाल नहीं सकता तो बेकार है। तो अपने को खाने से ज़्यादा पचाने का ध्यान रखना चाहिए कि हम पचा कितना सकते हैं। अगर पचा सकते हैं तो सूखी रोटी, अरे सूखी रोटी तो बहुत बड़ी बात है जी, भूसा भूसा खा खा करके बैल इतना ताकतवर है, हम लोग अनाज खा खा करके बात यह है कि जो बैल है ना, उस बैल को भूसा से काम चल जाता है, तो माने जो शरीर की ताकत है वो तो भूसे से भी आ जाती है। ये जो दिमाग की ताकत है इसके लिए ज़्यादा पोटेंसी चाहिए, क्योंकि विचार करने के लिए बहुत ऊर्जा लगती है। विचार इसीलिए तो सामान्य आदमी विचार नहीं करना चाहता, और जो विद्वान लोग हैं वो विचार करते हैं, इसीलिए बने रहते हैं टिटहरी, क्योंकि ऊर्जा का खपत उसमें हो जाती है। तो ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जिसने विचार करके तत्व को प्राप्त कर लिया, ज्ञानी हो गया, फिर वो मोटा ताजा हो जाता है, मस्त हो जाता है, क्योंकि फिर उसकी विचार करने की ज़रूरत नहीं है, वो उपलब्धि हो गई। लेकिन जो विचार कर रहे हैं, चिंतन की दशा में हैं, उनकी हालत ख़राब रहती है, वो बहुत कमज़ोर भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऊर्जा की खपत बहुत हो रही है। दिमाग चलाने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, शरीर चलाने के लिए नहीं चाहिए। सबसे कम ऊर्जा शरीर चलाने में लगती है, इसीलिए 7 किलो का जो सिर है, जब कुछ पूछो क्यों, 7 किलो का हिला देगा और 200 ग्राम की जीभ नहीं हिलाएगा। इसका मतलब जीभ हिलाने में ज़्यादा ताकत लगती है, सिर हिलाने में कम ताकत लगती है। इसीलिए शरीर चुन लेता है कि जिसमें कम ताकत लगती है उसका उपयोग करते हैं। और इसी तरह से जब जीभ की ये हालत है जो थोड़ी अंदर है, और दिमाग और अंदर है और सूक्ष्म है, उस सूक्ष्मता में जाने के लिए और ज़्यादा ताकत की और ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है। तो इसीलिए लोग उस ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते हैं, अपने शरीर में लगा लेते हैं, तो शरीर में फिर शरीर सही हो जाता है निर्द्वंद। तो हम लोगों को ज़्यादा ताकत की ज़रूरत क्या है? एक समय अगर खा लिया, उसका पोषण अगर शरीर ने खींच लिया तो बस हो गया, और क्या नहीं। तो इसलिए क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्सताम अनुदिनम भिक्षौ सदम भुज्यताम। भगवान शंकराचार्य जी ने उपदेश पंचक नाम के अपने स्तोत्र में कहा, जिसको साधना पंचक भी कहते हैं, कि ये एक रोग है क्षुधारू की, इसको रोग मान ले कि हम रोगी हैं। कौन सा रोग है हमको? और कोई रोग तो होगा नहीं, जो एकाहारी होगा उसको रोग बहुत कम होता है, जो कई बार खाते हैं उनको बहुत रोग होते हैं खाने के कारण, ये भी जान लीजिए। तो जो एकाहारी है उसको रोग कम होगा। लंघनम परम औषधम, अगर आपको बुखार उखार हो जाए तो आप खाना छोड़ दो, देखो दूसरे दिन ठीक हो जाएगा। अपच हो जाए, खाना छोड़ दो, दूसरे दिन अपने आप ठीक हो जाएगा, किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। तो भूखा रहना भी औषधि है और खाना भी औषधि है, देखना पड़ता है। ज़्यादा खा रहे हैं तो भूखा रहना औषधि हो जाएगी, और कम खा रहे हैं तो खाना औषधि हो जाएगी। तो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि शुद्ध व्याधिश्च चिकित्सताम, क्षुधा रूपी जो व्याधि है उसकी रोज़ चिकित्सा करें। जैसे दवा होती है ना, रोज़ डॉक्टर कहते हैं 3 बार लेना, 2 बार लेना, 1 बार लेना, रोज़ 1 गोली, तो जैसे रोज़ 1 गोली दवाई ली जाती है, ऐसे ही रोज़ भिक्षा रूपी भोजन को स्वीकार कर लेना, तो उससे आपको दिक्कत नहीं रहेगी, याद ही नहीं रहेगा कि भूख कोई चीज़ होती है, क्योंकि जैसे ही शुरू हुई वैसे, जैसे तवा गर्म हुआ छांटा मार दिया काम खत्म। इसलिए रोज़ 1 बार भिक्षा लेके जो मिल गया सो उसको खा लीजिए, समस्या ही खत्म। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब हम ये बता रहे थे कि एकादश स्कंद में जब उद्धव जी ने भगवान के सामने ये प्रश्न रखा कि क्षुधा व्याधि का क्या होगा, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि इसके लिए सिद्धि करने की ज़रूरत नहीं। नहीं, एक महात्मा जी एक व्यक्ति के यहाँ गए, वो बैठा था अपनी गद्दी पे, व्यापारी था, तो वो चाहते थे कि हम जाएं तो खड़ा हो, स्वागत सत्कार करे, वो ऐसा कुछ उसने नहीं किया, तो उनको गुस्सा आ गया।
क्योंकि जब अपेक्षा होती है और अपेक्षा पूरी ना हो तो गुस्सा आता है। नहीं, ये मुकुंदानंद पे हमको क्यों गुस्सा आता है? हम सोचते हैं कि ये हमारी बात समझ लेंगे और ये समझते नहीं हैं तो गुस्सा आ जाता है। अगर हम पहले से मान लें कि नहीं नहीं उतना समझदार नहीं है, नहीं समझता है, तब गुस्सा नहीं आएगा। अपेक्षा होती है कि ये तो इतने दिन से हमारे साथ रह रहे हैं तो हाव भाव समझने लगे, इतना तो जाने ही जाएंगे। ऐसा सोच करके अपेक्षा हो गई, अब अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो गुस्सा हो गया, और कोई बात हो रहा है। अपेक्षा न रहे तो नहीं, केशवानंद जी से हमको अपेक्षा नहीं है इसीलिए इनसे कोई गुस्सा नहीं। क्यों कभी होते हैं गुस्सा? इन पे कभी गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि अपेक्षा ही नहीं है। तो अपेक्षा बुद्धि से गुस्सा होता है। आप इच्छा कर लें और इच्छा पूरी ना हो तो गुस्सा आता है। तो महात्मा जी पहले ही सोच के गए थे कि मैं इतना बड़ा सिद्धि प्राप्त कर लिया, अब सिद्धि प्राप्त करके मैं आया हूँ तो मेरा स्वागत सत्कार होगा। वो बनिया बैठा रहा, बोले बनिए खड़ा हो जा। बोला काहे महाराज खड़ा काहे हो जाऊँ? बोले देखता नहीं मैं सिद्ध आया हूँ। बोले अच्छा आप सिद्ध हैं? कहाँ सिद्ध हूँ। तो बोले कुछ सिद्धि महाराज दिखाइए, कुछ देखेंगे तब ना, ऐसे कैसे खड़े हो जाएं। तो उन्होंने कहा देख, तो वहीं पर वो पड़ा था बटखरा। बटखरा समझते हैं, बाट माप, नापने का जो बाट होता है उसको बटखरा भी बोलते हैं। तो वो पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा देख अपने एक किलो के बाट को देख। तो वो देखने लगा, अब वो सही में गजब की सिद्धि थी उनकी। उसको कहा चल यहाँ से, अब वो बटखरा अपने आप चलने लगे, ओ उतनी दूर चला गया। अरे देखा मेरी सिद्धि, वापस आओ। अब वो बटखरा वहां से ऐसे चल कर गया अपना हो सा, लेकिन वो बनिया खड़ा नहीं हुआ। महात्मा जी को अब तो बहुत ही गुस्सा आ गया कि इतनी बड़ी सिद्धि हमने दिखा दी है और ये जो है हम खड़ा नहीं हो रहा है, हमारा स्वागत नहीं कर रहा है। कहा कि तू खड़ा नहीं हो रहा है मेरी सिद्धि देखने के बाद भी? बनिया ने कहा महाराज ये कौन सी सिद्धि है? तब तक अपना बच्चा खेल रहा था 10 साल का, कहा चुन्नू। तो चुन्नू आया, बोले ये बटखरा वहाँ ले जाओ। तो वो बटखरा वहाँ ले गया, कहा अब वापस लाओ। वापस लाए, रख दो, रख दिया। कहा महाराज देखो आपकी सिद्धि इतनी है कि नहीं? आपकी सिद्धि इतनी है, मैंने कोई सिद्धि नहीं करी लेकिन मेरे पास सिद्धि है, जब चाहता हूँ वो वहाँ चली जाती है, वहाँ से आ जाती है, करने के लिए आदमी हो गया। ये मेरी सिद्धि है, मैंने पैदा किया, अब मैं जैसा चाहता हूँ बस बैठा बैठा इच्छा करता हूँ हो जाता है। आप भी तो यही कर रहे हो, इच्छा करता हूँ हो जाता है। महात्मा जी को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने कहा कि ये जगह ही ठीक नहीं है, यहाँ श्रद्धालु लोग नहीं रहते हैं, अब हम यहाँ से सीमा बदल के दूसरे राज्य में चले जाएंगे, वहाँ हमारी सिद्धि की प्रशंसा होगी। तो चले, अब प्राचीन काल में नदी नाले से सीमा होती थी, तो नदी आ गई बड़ी नदी, उसके उस तरफ दूसरा राज्य था, इस तरफ दूसरा राज्य था। उन्होंने कहा अब इस राज्य को छोड़ दूंगा, यहाँ श्रद्धालु है ही नहीं, समझते ही नहीं कोई सिद्धि। तो बोले ठीक है, अब वहाँ गए तो नाव की प्रतीक्षा करने लगे कि नाव आए। बगल में कोई बैठा था वो भी प्रतीक्षा कर रहा था, तो उससे बोले, उसने पूछा महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? रामेश्वरम, तीर्थ में जाते हैं। प्रायः महात्मा लोग तीर्थ यात्रा करते हैं तो सोचा कि तीर्थ जा रहे होंगे। बोले ना ना, मैं तीर्थ नहीं जा रहा हूँ, मैं तो इस राज्य को छोड़ करके जा रहा हूँ। अच्छा क्यों छोड़ के जा रहे? कहा यहाँ कोई श्रद्धालु ही नहीं, सिद्धि का कोई यहाँ मूल्य नहीं समझता है, इसीलिए अब दूसरे राज्य में जा रहा हूँ नदी पार करके हो जाऊँ। कहा महाराज तो कुछ सिद्धि दिखाइए। कहा ठीक है हम तुमको सिद्धि दिखाते हैं, नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे ना,
अब तुम प्रतीक्षा करो, हम तो ऐसे ही चले। अब उन्होंने खड़ाऊ पहनी और खट 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 करते हुए पानी के ऊपर चलते चलते उस पार चले गए। अब वो आदमी तो एकदम देखता ही रह गया। अच्छा, तब तक नाव भी आ गई, वो भी बैठ गया, पार हो गया। और पार जा करके नाव वाले को दो पैसा दिया, उस समय का जो रेट रहा। और फिर महात्मा जी के पास पहुंचा, कहा महात्मा जी, पर नहीं, महात्मा जी उसके पास आ गए, कहा देखा मेरी सिद्धि? कहा महाराज कौन सी सिद्धि? कहा मैं नदी पार करके आ गया, सिद्धि नहीं देखी? बोले महाराज मैं भी तो नदी पार करके आ गया, दो पैसा लगा, इसका मतलब आपकी सिद्धि दो पैसे की है। दो पैसे से ज्यादा की आपकी सिद्धि तो दिखाई नहीं देती है। अब महात्मा जी क्या करें? तो महात्मा जी को समझ में आ गया कि ये जो सिद्धि का प्रदर्शन मैं कर रहा हूँ, इनका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भूख प्यास को जीतने के लिए हम तपस्या करें, फिर सिद्धि करें, ध्यान धारणा करें, ऐसी सिद्धि की क्या जरूरत है? इससे अच्छा है कि भगवान को पाने के लिए सिद्धि करें, ये सब भूख प्यास कोई मतलब नहीं है, ये तो जब भूख लगे तो भिक्षा मांग के खा लो, काम खत्म, इसमें चक्कर ही में पड़ो। जो काम सहज में हो जा रहा है उसके लिए दुनिया भर का आडंबर सिद्धि करें, अरे भगवान को पाने के लिए हम ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे, यम नियम आसन करेंगे, ये तुच्छ। ये तो कहीं भी अपना दो घर चार घर चले गए तो एक एक रोटी मिल गई तो चार रोटी हो गई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आदमी? तो इसलिए उन्होंने इसमें सिद्धि करने, लेकिन भगवान ने बताया है, भगवान ने कहा देखो सिद्धियों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर किसी के मन में है तो वो सिद्धि कर सकता है। तो उन्होंने वहाँ पर भूख प्यास को कैसे जीते इसके लिए सिद्धि बता दी। तो जो प्राण हैं, इन प्राणों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसको प्राण की तरंगों पर भी विजय प्राप्त हो जाती है, समझ गए? तो सबसे पहले शरीर पर विजय प्राप्त करना है, उस दिशा में जब चलना है तो शरीर में जब विजय प्राप्त करेंगे तो तरीका क्या है कि जैसे अभी हम लोग हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसीलिए हमको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है। थोड़ी देर में थक निढाल पड़ जा रहे हैं, फिर एक गिलास पानी पी रहे हैं, फिर ताकत आ रही है, फिर कह रहे नहीं चाय भी पिला दो, तो चाय की चीनी से, थोड़ा सा दूध से, थोड़ा सा गर्मी से ऊर्जा आ गई, तो फिर खड़े हो गए, फिर काम करने लगे, फिर निढाल हुए आधा कप, फिर एक जेब में से चॉकलेट निकाला खा लिया। ये सब क्यों कर रहे हैं? जैसे जैसे ऊर्जा कम हो रही है फिर से ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। अब हम शरीर का उतना उपयोग ही ना करें, अपना शांति से बैठ गए, ध्यान लगा लिया, अब हमारा शरीर हिल नहीं रहा है और हमारा दिमाग भी हिल नहीं रहा है, अब एक जगह पे स्थिर हो गए। अब जब एक जगह स्थिर हो गए तो ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो भोजन जो है वो लेस तो हो गया, जितना भोजन पहले चाहिए था अब उतना भोजन आपको नहीं चाहिए, अब आपको बहुत थोड़े में काम चल जाए, क्योंकि ऊर्जा की खपत कम हो गई आपकी। जो पहलवानी करते हैं उनको ज़्यादा चाहिए, जो एथलीट हैं उनको ज़्यादा चाहिए, है ना, हम लोगों को उतना नहीं चाहिए, आम काम कर रहे हैं, और अगर इतना भी ना करें तो और ही कम चाहिए। तो पहले तो भोजन को जीतने के लिए यहाँ से शुरू करिए, पहले शरीर को वश में करिए, शरीर को स्थिर कर दीजिए। जब शरीर स्थिर होने लगेगा तो मन स्थिर होगा, शरीर और मन दोनों स्थिर हो गए तो आपको बहुत कम भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, पहली बार। उसके बाद तब प्राणायाम शुरू करिए, प्राणों में नियंत्रण स्थापित कर लीजिए कि जब आप चाहेंगे तभी सांस निकलेगी, नहीं तो निकलेगी ही नहीं, जब चाहेंगे तब अंदर जाएगी, नहीं तो जाएगी नहीं। इस तरह से जब प्राण को भी आपने साध लिया तो भूख प्यास काई को लगी। ये जो 10,000 वर्ष तक आपके पूर्वज तपस्या कर रहे थे बिना कुछ खाए, वो प्राणायाम के बल पे कर रहे थे, क्योंकि प्राणायाम अगर सद गया तो भूख प्यास लगना बंद हो जाएगी, क्योंकि वो प्राण की तरंग है। जब समुद्र को हम स्थिर कर देंगे तो तरंगे नहीं आएंगी, प्राण को स्थिर कर देंगे तो प्राण की जो तरंग है भूख प्यास वो नहीं लगेगी। टेक्निक है सीधी, है ना,
उसको कम काम करके अपने आप पहले भोजन को लेस करिए, अपने आप पता चल जाएगा कि कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इसका मतलब ख़त्म भी हो सकता है, ज़रूरतें कम कर ली हैं आपने। तो इसलिए ऊर्जा की जो खपत आप रोज कर रहे हैं कई तरह के काम करके, ब्रह्मचर्य काहे के लिए है, ऊर्जा की खपत बचाने के लिए, कि हमारे शरीर में हम ब्रह्मचारी रहेंगे ताकि हमारे शरीर की ऊर्जा व्यर्थ ना हो, खपत ना हो उसकी। जब ऊर्जा बची रहेगी तो कम शक्ति से भी आपका काम चलने लगेगा, समझ रहे हैं ना, ये है बात। तो इसलिए अगर आपको भूख पर विजय प्राप्त करना है तो शरीर की जो क्रियाएं हैं उनको कम करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और श्वासों पर नियंत्रण करिए। ये जितनी श्वास है ना, इसी से ऊर्जा खत्म होती है। सांस लेना, सांस छोड़ना, एक एक पोर पोर तक अंदर पहुंचाना बड़ा काम है। तो इस सांस को कम कर दो, जितना सांस कम कर दोगे उतनी ऊर्जा की खपत कम हो जाएगी, भोजन की भूख भी खत्म हो जाएगी। वहाँ और पढ़ लेना, उद्धव कृष्ण संवाद में उन्होंने बताया है, जहाँ सिद्धियों के बारे में बताया ना, हमने प्रवचन में बताया, तो वहाँ सिद्धियों में जो बहुत तरह की सिद्धियाँ हैं उनमें एक सिद्धि ये भी है कि भूख प्यास खत्म कर देना, तो उसको देख लीजिए। नहीं, सांस लेना बंद कर दो। सांस लेना बंद कैसे करना है कि नियंत्रण से बंद करना है, माने आपका नियंत्रण होना चाहिए सांस पे, कि मैं चाह रहा हूँ इसलिए मैंने बंद किया हुआ है। अपने आप बंद हो जाए वो तो मृत्यु हो जाएगी, अपने आप जब सांस बंद होगी वो मृत्यु है, और जब आपने नियंत्रण से बंद किया तब तो साधना है। तो इसलिए नियंत्रण से बंद करो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप बंद ना हो जाए, बस उसका ध्यान रखो कि पता चला कि आप नियंत्रण कर रहे थे तब तक खुद ही बंद हो गई। क्या नहीं, कैसे कर देगा, सांस तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसको कम किया जा सकता है, उसकी उसकी कुंभक किया जा सकता है। और कोई नींद पे, हाँ नींद भी जो है, जो अभी बताया ना, अभी बताया ना कि ये जो भोजन है ये ऊर्जा की कमी के कारण इसकी आवश्यकता पड़ती है। जितना ऊर्जा शरीर में कम होगी तो भोजन की सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे भोजन की ज़रूरत पड़ती है ऐसे नींद की भी, भोजन करेंगे तो उसको पचाने के लिए नींद की ज़रूरत है, तो जितना जो खाएगा उतना ही उसको ज़्यादा सोना पड़ेगा, और जितना जो कम खाएगा उसको उतना कम सो करके भी काम चलेगा। तो इसलिए 3 घंटे की नींद तो सबको ज़रूरी होती है, 24 घंटे में 3 घंटे की नींद असल में साधक के लिए है। तो जो सही साधक होगा 3 घंटे में गहरी नींद सो करके वो ताज़ा हो जाएगा बाकी 21 घंटे के लिए। 21,600 श्वास हमारी है वो हर घंटे के अनुसार, तो 3 घंटे की नींद पर्याप्त है। अब वो 3 घंटे की नींद हमको आती नहीं है, तो हमारे क्या होता है कि गहरी नींद नहीं आती हमको, उथली नींद आती है, इसीलिए सपना दिखता है। ये जो सपने वाली नींद है ये आधी नींद है, आधा जागृत है, ये भ्रम इसमें यही है कि आधा नींद है आधा जागृत है, इसीलिए सपना दिखता है। जिसको गहरी नींद आती है उसको सपना वपना नहीं दिखता, हमको तो महीनों महीनों नहीं दिखता, हाँ महीना 2 महीने में 4 महीने में 1-2 बार का भी दिखता है। क्यों? क्योंकि सवेरे जल्दी उठ गए और रात को सोते सोते भी देर हो ही जाती है, तो जैसे ही सोए गहरी नींद, अब गहरी नींद में सपना ही नहीं आता, तो वो कम समय में भी उसमें पूरी शक्ति मिल जाती है। तो जो साधक होगा उसको कम सोने से भी काम चल जाता है, इसलिए उसको कम करना चाहिए अपनी नींद को। और नींद को कम करने का तरीका यह है कि अपनी ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर ले। जो ऊर्जा का प्रवाह है उस पर नियंत्रण की जरूरत है, प्राणायाम से ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। तो ऊर्ध्वमुखी जब प्रवाह हो जाता है तब बहुत कम, माने जैसे पाइप आप ले लो उसमें पानी है, अगर उसको ऐसे पाइप को नीचे की तरफ करोगे
तो बड़े फोर्स से गिरेगा और ऐसे माने दूर तक जाएगा, और अगर ऊपर कर दो पाइप को तब ऐसे थोड़ी दूर जाके ऐसे ऐसे गिरने लगे। इसका मतलब ऊपर चढ़ने में तकलीफ है। तो जब हम ऊर्जा के प्रवाह को ऊपर कर देंगे तो कम खपत होगी, और नीचे की तरफ अगर उसके प्रवाह को रखेंगे तो बहुत तेज़ी से खपत होगी। तो ऊर्जा को बचाए रखने के लिए उसको ऊर्ध्वमुखी होना जरूरी है। तो इसीलिए कुंडलिनी जगाते हैं ना कि उसको ऊर्ध्वमुखी करें, जो मूलाधार में है उसको सहस्रार ले जाना है। तो ये ऊर्जा का ऊर्ध्वमुखीकरण है। तो जब ऊर्ध्वमुखी होगी तो बहुत कम खपत होगी, बहुत पतली रेखा ऊपर तक जा पाएगी। वही साधना, यही सब तो साधन बता रहे हैं। प्राणायाम से शुरुआत होती है, पहले यम नियम होता है, आसन होता है, तब प्राणायाम होता है। तो यम नियम का पालन करे तो उसको आसन और प्राणायाम सिद्ध होने लगता है, और उससे उसकी ऊर्जा का ऊर्ध्वमुखीकरण हो जाता है। और ऊर्ध्वमुखीकरण हो जाना ही तो बहुत बड़ी बात होती है, फिर उसको अंदर आनंद आने लगता है। ये बात है। हाँ क्या आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक है? हाँ, यानी आत्मा और ब्रह्म एक ही है। आत्मा ब्रह्म एक है, आत्मा कर्ता नहीं है, वह तो दृष्टा है, और ब्रह्म दृष्टा नहीं है। गुरुदेव फिर ये दोनों एक कैसे हुए? नहीं तो ये कब किसने कह दिया कि आत्मा दृष्टा है, कर्ता नहीं है? आप स्वयं कह रहे हैं कि कर्ता नहीं है, तो दृष्ट देखना भी तो एक क्रिया है। कर्ता नहीं है माने क्रिया नहीं करता है, तो क्रिया दृष्टा भी देखना भी एक क्रिया है। तो अगर वो दृष्टा होगा तो कर्ता तो हो ही जाएगा। केवल हाथ से हम जो कुछ करते हैं उसी को करना नहीं कहते हैं। हाथ से, पांव से, मुंह से, नाक से, आंख से, पांच कर्मेंद्रियां हैं, इनसे सब कर्म है। तो ऐसी परिस्थिति में देखना, दृष्टा होना भी एक कर्म है। देख रहे हैं, सी, टू सी, ये धातु है ना, वर्ब है, देखना क्रिया है। तो क्रिया का जो कर्ता होगा वही तो कर्ता कहलाता है, जो क्रिया करता है उसी का नाम कर्ता है। तो देखना रूप क्रिया जो कर रहा है वो कर्ता हो गया, तो कर्ता हो गया तो आत्मा कहाँ रहा? आत्मा भी अकर्ता है, कर्ता नहीं है, दृष्टा नहीं है आत्मा, साक्षी है। साक्षी का मतलब अलग होता है, दृष्टा का मतलब अलग होता है। दृष्टा मतलब देखने वाला, और साक्षी का मतलब जो देखने वाला नहीं है वो साक्षी है। समझ गए? अब ये जो गवाह कहते हैं ना, गवाह की भाई हमने देखा तो बता रहे हैं, तो वो करता नहीं है, वो तो जो देखा है उसी का अनुवाद कर रहा है। उसको कुछ लेना देना नहीं है किसी से, ना इधर ना उधर। आँखों में जो फिल्म है वो बोल दे रहा है, माने केवल दृष्टा है। तो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये जो आपके मन में भ्रम है कि वो दृष्टा है आत्मा, तो ये गलत है। वो दृष्टा भी नहीं है, वो श्रोता भी नहीं है, वो वक्ता भी नहीं है, वो कर्ता भी नहीं है, वो गंता भी नहीं है, वो कुछ नहीं है, क्योंकि किसी तरह की क्रिया उसमें नहीं है। अक्रिय है वो, क्रिया नहीं है। ज्ञान अलग चीज़ है और क्रिया अलग चीज़ है। क्रिया से कर्ता किसी विषय को पाता है। जब हम क्रिया करते हैं, जैसे इनको पाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? पैर से चल करके इनके पास जाना होगा, ये क्रिया हो गई, तब हम इनको पा सकेंगे। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं पाना है, केवल इनके दृश्य को प्राप्त करना है, तो इन आँख खोलेंगे, खोल करके इनको देखेंगे, तभी हमारे अंतःकरण में इनकी छवि आएगी। तो ये भी तो करना ही हो गया। तो जब किसी विषय को हम प्राप्त करते हैं तब कर्ता होते हैं। जब हम किसी विषय को प्राप्त ही नहीं करते हैं, हम तो अपने में रमण कर रहे हैं, आत्मा राम, तो फिर किसी क्रिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो आनंद स्वरूप ही हैं, तो इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। तो आत्मा जो है अक्रिय है, क्यों? क्योंकि क्रिया की जरूरत नहीं है उसको, स्वयं में आनंद है, स्वयं में ज्ञान है, सच्चित आनंद है ना।
जो परमात्मा है वो भी सच्चित आनंद है, आत्मा भी सच्चित आनंद है, दोनों एक ही हैं। तो दोनों एक होने के कारण इनमें क्रिया नहीं है। तो जो कह रहे हैं कि आत्मा दृष्टा है और ब्रह्म तो दृष्टा नहीं है इसलिए दोनों भिन्न हो गए, ऐसी बात नहीं है, दोनों के गुण एक ही हैं। परमहंसी में जो मतलब अभी आप बता रहे थे कि माया के आने पर भगवान को एक से अनेक होने की इच्छा हुई, मतलब माया के आने से पहले एक से अनेक होने का कोई भाव नहीं था। फिर एक दिन गीता के प्रवचन में आपने बताया कि प्रकृति अपने आप खुश नहीं है, पुरुष के साथ होने पर ही वह एक्टिव होती है। यहाँ पर यह बताया गया कि प्रकृति अपने आप खुश नहीं कर सकते बिना पुरुष के सोर्स ऑफ एनर्जी के। गुरुदेव, मुझे दोनों बातें एकदम कंट्राडिक्ट लग रहे हैं। एक में माया के आने पर पुरुष के मन में एक से अनेक होने का भाव आया और दूसरे में प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, पुरुष के साथ होने पर ही एक्टिव होती है। हाँ, तो ये जो आपके मन में भ्रम आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि आप संसार में जैसे एक स्त्री और एक पुरुष हैं, तो स्त्री को प्रकृति समझ रही हैं और पुरुष को पुरुष समझ रही हैं। इसीलिए समझ रही हैं कि प्रकृति जो है पुरुष के बिना कुछ नहीं कर सकती है, सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा बता रहे हैं, या दूसरी तरह से। तो ये भ्रम इसीलिए है क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि जैसे संसार में प्रकृति और पुरुष दो हैं और दोनों मिल करके कुछ करते हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ ये जो प्रकृति है ना, माया, ये वास्तविक नहीं है। संसार में जो पुरुष और स्त्री हैं वो वास्तविक हैं, दोनों व्यक्ति हैं, और यहाँ जो वास्तविकता है वो केवल पुरुष की है। प्रकृति तो भ्रम मात्र है, और भ्रम में बहुत कुछ दिख रहा है, हो रहा है, नहीं समझे? उदाहरण दोनों अलग अलग हैं। संसार का जो स्त्री और पुरुष है वो दोनों की सत्ता है, और जो यहाँ उदाहरण जिनका दिया जा रहा है वहाँ पुरुष तो है, प्रकृति नाम है नहीं, केवल दिखती है। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए, इस बात को जानने वाले जो हमारे सनातनी हैं वो स्त्री का नाम नहीं रखते हैं। हम लोग कहाँ स्त्री का नाम जानते हैं? अब पुराने लोगों से पूछ लीजिए, अपनी माँ का नाम नहीं बता पाएंगे, 80 साल के भी हो गए होंगे, क्योंकि माँ को कभी नाम जाना ही नहीं उन्होंने। गांव के लोग नहीं बता पाएंगे कि हाँ फलाने बहू, फलाने की स्त्री, यही बोलते हैं। माने पुरुष का ही नाम आता है, स्त्री का तो नाम ही नहीं है, उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। अब कानून बन गया कि कालम में माँ का नाम भी लिखना पड़ेगा, तो सब बच्चों को माँ का नाम पता चल गया। हम लोगों को, जब तक हम पढ़ रहे थे तब तक हम लोगों को माता का नाम पता नहीं था। माँ का नाम अम्मा, बस इतना ही जानते थे कि अम्मा, उनका क्या नाम है। और हमारे गांव में जब हमारी माँ को संबोधित कोई करता था तो हमारे पिताजी का नाम लेके उनकी बहू कहता था। पूरे गांव में यही पद्धति थी, कभी कोई किसी स्त्री का नाम नहीं लेता था, अमुक बहू, अमुक की माँ, यही था, ये फलाने की माई, ये फलाने बहू, मायके का नाम लेके बुलाते हैं। मायके का नाम नहीं, नाम ही नहीं, क्यों? क्योंकि क्यों नाम नहीं है? क्योंकि उसकी पृथक सत्ता नहीं मानी गई, उनकी पृथक सत्ता नहीं मानी है, वो उसी में समाहित मानी जाती है। तो ऐसे ही जो पुरुष है उसमें प्रकृति समाहित है। जैसे पर्दे के ऊपर फिल्म दिखती है तो फिल्म वास्तविक नहीं होती है, पर्दा वास्तविक होता है, उसी तरह से ये माया जो है ना होकर के भी होने जैसी दिखती है। इसलिए यहाँ का उदाहरण अलग है और वो प्रकृति पुरुष जो लौकिक है वो अलग है। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है, ऐसे करके किसी तरह से काम कर लेते, पृथक सत्ता नहीं मानी जाती है। तीसरा प्रश्न उनका ये महाराज जी कि कोई भी खेल जो है वो थोड़ा सा भी ह्यूमन होता है तो सब उसकी निंदा करते हैं। जैसे अरब देश में ऊँट के ऊपर छोटे बच्चे को बांधकर ऊँट दौड़ाया जाता है, बच्चा रोता बिलखता है, तो इस तरह के खेल देखने वाले को आनंद आता है। अनह्यूमन लिखा होगा, जी हाँ, इनह्यूमन, इनह्यूमन, हाँ इनह्यूमन, वो इनह्यूमन होगा, अनह्यूमन हम गलत बोल रहे थे, इनह्यूमन। तो जिसकी हम निंदा करते हैं, ऐसा भी खेल होता है,
तो गुरुदेव क्या यह संसार ऊंट के ऊपर बंधे बच्चे की दौड़ से कहीं ज़्यादा डरावना नहीं है? इस संसार में कौन सा दुष्कर्म नहीं हो रहा है? इस तरह के खेल से कैसे किसी को आनंद आ सकता है? भगवान के लिए यह खेल कैसे हो सकता है? भाई, भगवान के लिए खेल का मतलब यह है कि भगवान खेल जो है उसमें क्रूरता नहीं होती है। खेल जो बनाता है उसमें नियम बनाता है, ठीक है। अब नियम बना दिया, लूडो का खेल है, लूडो ही होता है ना, जिसमें सांप सीढ़ी का खेल है। तो सांप सीढ़ी का जो खेल है उसमें एक सांप बना दिया, एक सीढ़ी बना दिया, और बताया कि इस खाने में अगर आया तो सांप के मुंह में चला जाएगा, इसमें आएगा तो सीढ़ी में चला जाएगा। तो खेल है ना, उद्देश्य ये नहीं है कि कोई सांप के मुँह में चला जाए, मर जाए, पतित हो जाए, नीचे गिर जाए। ये खेल ही है। ये खेल तब चलेगा जब उसमें ये व्यवस्था हो। तो खेल बना दिया, अब खेल में जो है सांप के मुंह में जा रहा है, नीचे आके फिर, लेकिन फिर कोशिश करता है कि सीढ़ी पे भी चढ़ जाता है। वही जो सांप के मुंह में गया था वही सीढ़ी पर भी चढ़ जाता है। तो यही तो खेल है। इसमें जितना ये अनाचार, पापाचार, दुराचार जब हो रहा है, तो ये भगवान ने नहीं कहा कि पापाचार करो, दुराचार करो, अनाचार करो। लोग जो है वो खेल वाले कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसका दंड है। क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी अंपायर के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता, नियम बन गया। लेकिन कई कई खिलाड़ी कर देते हैं। जब कर देते हैं तो फिर उनको दो मैच से, एक मैच से निकाल दिया जाता है कि आपको बैन किया जाता है। तो नियम है ना। तो जो बैन कर रहा है उसका उद्देश्य नहीं है कि इसको वो किया जाए, वो रोकना चाहता है, लेकिन प्रवृत्ति के कारण गुस्सा आ जाता है और आदमी बोल देता है, और दो मैच, चार मैच का फीस कट जाती है, कई चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो खेल बनाने वाला है उसके मन में हिंसा थोड़ी थी कि अच्छे खिलाड़ी को जो फार्म में है उसको भी दो मैच से बंदी बना दो। वो तो चाहता था कि खेल खेले, लेकिन वो खिलाड़ी गड़बड़ी कर देता है तो उसका दंड तो देना ही पड़ेगा। नहीं तो हम पाप कर्म की ओर चले जाते हैं। भगवान शास्त्र यही कहता है कि पाप कर्म से बचो, नहीं तो दंड मिलेगा। तो दंड का विधान भी है, जो बलात्कार कर दे रहा है उसके लिए नरक बने हुए हैं, उसमें उनको दंड दिया जा रहा है। बाकी लोगों को ये इसी से प्रेरणा दी जा रही है। भारत का कानून है कि जो हत्या करेगा उसको फांसी चढ़ा दिया जाएगा। तो न्यायालय का ये उद्देश्य थोड़े है कि लोगों को लटका के मार दो। न्यायालय का उद्देश्य ये है कि लोग डरे रहें, किसी की हत्या कोई ना करे। इतने लोग जो बचे हैं उसी डर से बचे हैं कि अगर हम मारेंगे तो हमको फांसी हो जाएगी, हमको भी मरना पड़ेगा, इसीलिए तो लोग बचे हैं। नहीं तो लोग रोज गुस्सा होते तो फांसी ही लटकाते, थप्पड़ थोड़े मारते। लेकिन डर है, नहीं नहीं, ईश्वर के बिना कोई क्रिया क्यों नहीं होता है? ये जो मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर में स्वतंत्र सत्ता है आपकी कर्म करने में। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, फल भोगने में परतंत्र हैं। जो आपको प्रारब्ध है उसको भोगने में आप परतंत्र हैं, लेकिन नया कर्म करने में स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो करें, चाहें तो मत करें, उसमें भगवान की प्रेरणा नहीं है। कोई कहे कि पाप करने की प्रेरणा, बलात्कार करने की प्रेरणा भगवान ने मुझे दी, ना भगवान नहीं। भगवान तो कहते हैं कि ये गलत है, ये बहुत बड़ा दंड मिलेगा, ये मत करना, किसी हालत में मत करना। भगवान इसकी प्रेरणा नहीं दे रहा है, ये आप अपने मन से कर रहे हो और इसीलिए दंड है। अगर भगवान व्यवस्था बना देता तब तो फिर भगवान दंड का भागी हो जाता, हम क्यों होते? शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं, शास्त्र बनाता ही क्यों भगवान? तो जो प्रारब्ध फल है उसका भोगने में हम परतंत्र हैं, कुछ अर्थों में हम परतंत्र हैं। जैसे जो रेलगाड़ी, हम रेलगाड़ी में बैठ गए तो रेलगाड़ी के पहिए के अनुसार चलेंगे, हम चाहें किधर मोड़ दें इधर मोड़ दें तो नहीं मोड़ सकते। गाड़ी में चलेंगे, कार में तो मोड़ सकते हैं। तो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं तो हमारे पास स्वातंत्र है, और ट्रेन में बैठे हैं तो परतंत्र है, जब रुकेगी तब रुकेगी, जब चलेगी तब चलेगी, उसका नियंत्रण कहीं और है। इसी तरह से बहुत सी चीज़ों के लिए सरकार हमको स्वतंत्रता देती है कि तुम स्वतंत्र हो, और बहुत सी चीज़ों में हमको परतंत्रता है, हमें नहीं कर सकता, हमें नहीं कर सकता, हमें नहीं सकता। घर के अंदर सिगरेट पीने के लिए हमको छूट है, लेकिन पब्लिक प्लेस में आजकल मना हो गया है तो सरकार रोक देगी। तो मतलब सिगरेट पीने के लिए भी घर में स्वतंत्रता है,
बाहर परतंत्रता होगी, नहीं कर सकते, तुरंत जुर्माना लग जाएगा। प्लेन में आप सिगरेट पीते हैं, उनको प्लेन वालों को कोई दिक्कत नहीं, ले प्लेन के अंदर अगर पिया तो दंड है। यहाँ तक कि जो बाथरूम है उसके अंदर भी डिटेक्टर लगा हुआ है, जैसे ही धुआं आएगा तुरंत घंटी बजेगी और तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। लिखा भी रहता है धूम्र अनुसंधान यंत्र लगा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ स्वतंत्रता है, कुछ परतंत्रता है। उसी तरह से भगवान की व्यवस्था में भी आप प्रारब्ध भोग के लिए परतंत्र हैं और नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। और नए कर्म स्वतंत्रता में भी बता दिया गया है कि ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये करना, ये करना, ये करना, विधि निषेध बता दिए गए हैं आपको। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि भगवान ने हमसे बलात्कार करवा दिया, मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत पवित्र आत्मा हूँ, ऐसा नहीं। कर्म करने में अपना स्वतंत्र है, ठीक है ना। गलत करके ईश्वर के ऊपर नहीं डाला जा सकता, भगवान ने करवा दिया ना। गलत, भगवान तो गलत का पक्ष ही नहीं लेते हैं, गलत के खिलाफ स्वयं खड़े हो जाते हैं किसी दशा में। गलत को अनजान में गलत हो जाए तो जब पता चले कि गलती हो गई तब उसका प्रायश्चित कर ले और आगे ना करने का संकल्प ले ले। हाँ, हर फल को अगर ईश्वर के ऊपर छोड़े रहें और बलात्कार करें, क्या बलात्कार का फल ईश्वर को मिले? अरे भाई वाह, भगवान को जो चढ़ाओगे वो पवित्र होना चाहिए। अगर आप हर फल भगवान को दे रहे हैं, अगर हर फल हम गुरुजी को भगवती को समर्पित करें तो हम सड़ा हुआ ले आएंगे या धो करके पोछ करके ताज़ा ताज़ा ले आएंगे और पासी होगा फेंक देंगे? तो गलत चीज़ भगवान के सामने थोड़ी रखी जाती है। आप हर फल का मतलब ये नहीं कि सड़े गले, हर फल का मतलब ये नहीं कि मलमूत्र लाके चढ़ाने लगे हैं, भोग लगाने लगे, नहीं, वो शुद्ध पवित्र भोजन बना करके लगाया जाएगा। तो भगवान भगवत अर्पण बुद्धि से सब काम करो, ऐसा कहने का मतलब ही है कि पवित्र काम करो, उसका आशय यहाँ है, छिपा हुआ आशय। हाँ ठीक है, यद्यत कर्म करोमि, यद्यत कर्म करोमि का मतलब क्या है? मनमाना करता हूँ। जो भगवान का भक्त होगा वो मनमाना करेगा? इतना बड़ा भक्त है कि हर चीज़ भगवान को समर्पित करता है, ऐसा कोई भक्त होगा तो हर चीज़ को अपने पवित्र रखेगा कि मेरा तो हर चीज़ भगवान का है, मैं कहीं भी नहीं सो सकता, मैं तो बिस्तर लगा के ठीक से सोऊंगा क्योंकि मेरा तो सोना भी भगवान को समर्पित है। मेरा तो खाना वो तो पवित्र ही खाऊंगा क्योंकि मेरा तो खाना भी भगवान को समर्पित है। मैं गाली नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा बोलना भी भगवान को समर्पित है। अगर गाली बोलूँगा तो भगवान के पास गाली चली जाएगी, इसलिए मैं अपना अपशब्द नहीं निकालूंगा मुझसे। इस तरह से उसका हर क्रिया पवित्र हो जाएगी, ये तात्पर्य। ऐसा नहीं है कि मनमाना करूँगा और सब भगवान को, ऐसा नहीं है। भगवान को समर्पित करने के लिए आप ही कुछ लाओगे हमारे लिए तो नहीं, सब चीज़ ला सकते हैं, कुछ भी। रास्ते में खड़े हुए बटोर लिए ले आए, ले आपके लिए लाए, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा भी प्यार जिसके लिए होता है ना, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ छांट के लाता है व्यक्ति। सबरी ने बेर चक चक के क्यों रखे थे? ये वो प्यार। तो आप जब जाएंगे दुकान में तो अपना बजट देख करके कहेंगे कि इतने बजट की अच्छी चीज़ दो, 25-30 चीज़ निकलवाएंगे, तब उसमें से एक पसंद करके ले आएंगे। ये प्यार होता है। तो भगवान का जो भक्त होगा वो भगवान के लिए उत्तम से उत्तम वस्तु लाएगा, हर चीज़ उत्तम करेगा। अगर उसका सब कुछ है भगवान का, तब तो हर समय उत्तम रहेगा। तो उसको उत्तमता में तात्पर्य है। उन्होंने कहीं पढ़ा है, आदि शंकराचार्य जी ने माया को अध्यात्मिका कहा है। अध्यात्मिका शब्द को लेकर दो संशय में है, शायद शब्द कुछ गलत भी हो सकता है कि अध्यात्मिका का अर्थ, अध्यात्मिका नहीं उभयात्मिका, उभयात्मिका जी, उसका अर्थ क्या है? उभयात्मिका शब्द है, अध्यात्मिका कहीं छप गया होगा गलत। उभयात्मिका अर्थ ये है कि माया जो है, सामान्य रूप से जो वस्तुएं होती हैं उनकी एक तरफ गति होती है, दो तरफ गति नहीं होती है। लेकिन ये माया जो है इसकी दोहरी गति है, माने ये कुछ भी कर सकती है। दोहरी गति का मतलब है, इसीलिए जब नारद जी ने प्रचेताओं को उपदेश किया, पहेलियाँ पूछी, तो उसमें यही पूछा कि एक ऐसी नदी है उभय तो वाहा नदी, जो दोनों तरफ बहती है,
इधर देखो तो इधर बहती है, इधर देखो तो इधर बहती है, जिस तरफ चाहो पाल बांध लो तो इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। माने कुछ भी करने पे सक्षम है आप। कई लोग होते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कई लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं और कुछ अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। उभय शब्द को गोस्वामी जी सेट कर रहे हैं, उभय भाग देखो, उभय बीच श्री सो उभय शब्द कई जगह। हाँ तो ठीक है ना, प्रयोग कर सकते हैं उभय उभयात्मिका सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिका न, ये सन्नापी और असन्नापी, ये है भी और नहीं भी है, ऐसा कोई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकते। अगर ये हैं तो हैं, नहीं हैं तो नहीं है, लेकिन ये हम कहें कि हैं भी और नहीं भी हैं, ऐसा केवल माया के मामले में होता है और किसी मामले में नहीं होता है। इसलिए वो उभयात्मिका है, सत भी है और असत भी है एक ही समय में। जो माया को नहीं जानता है उसके लिए सत है और जो माया को जानता है उसके लिए असत है, इसीलिए उसको उभयात्मिका कहते हैं, अभ्यात्मिका नहीं। अलग से है। पूछ लो। शबरी है, वो तो भगवान की बहुत भक्त थी, तो जूठे फल कैसे खाती? जूठे का मतलब ये है कि चख चख के पेड़ से चख चख लेती थी, किस पेड़ के फल मीठे हैं वो चख लिया, चख करके उसी पेड़ के फल रखती थी, जूठे नहीं। अब ठीक है, सीरियल सीरियल का मतलब है ना कि सीरियल वाले अलग है। चखने का मतलब क्या होता है? चखने का मतलब ये होता है कि जहाँ से हमको पता चल जाए कि इस पेड़ के फल मीठे हैं, वो सब फल संग्रहित करके रखा था। जूठे की बात नहीं, चखने की बात है। कथा के समय में नींद इसलिए आती है कि आपका मन नहीं लगा, जिस चीज़ में हमारा मन नहीं लगता उसमें हमको नींद आने लगती है, उबकाई आने लगती है, शरीर ऐसे ऐसे हमको खुजली की याद आने लगती है कि इस अंग में हमारी खुजली हो रही है। ये सब कल आ रही थी आपको, तो हमने परमात्मा को इशारा किया, हम गजा महाराज के पास वहाँ बैठो जा करके। आप तो दूसरा ये तो पूछने का दूसरा कथा के समय क्यों नींद आती है? कथा के समय का मतलब है कि एकाग्रता आएगी, एकाग्रता नहीं जब मन नहीं लगेगा तब एकाग्रता होगी, तब तो नींद आ ही नहीं सकती एकाग्रता में, रोमांच एकाग्रता। जैसे अभी नींद आपको आ रही है और अभी वहाँ झाम से बड़ी तेज आवाज हो बम फटने जैसी, उसके बाद सब दौड़ेंगे, वो जो नींद वाला है वो भी दौड़ेगा, सब नींद खत्म, उसको याद ही नहीं रहेगा कि नींद है कोई, क्यों? क्योंकि मन लग गया, अब उसकी क्यूरियोसिटी हो गई, अब वो जानना है उसको। तो जब हमारा मन नहीं लगता है जो विषय प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें, तब ये सब होता है। नहीं, वो दोनों दोनों कारण है। बात यह है कि हम तो सुनते रहते हैं, आप सुनते रहने से कोई तो ऐसा कुछ बोलो जिसमें मन लगे, अब वो कुछ भी बोल रहे हैं तो मन नहीं लगता है तो क्या करेगा आदमी। अब बैठना जरूरी है क्योंकि बिना जाए शुरू नहीं करते वो लोग, जब हम जाते हैं तब मन से शुरू होता है। पहले ये घोषणा की गई थी कि एक घंटा पहले मन से शुरू हो जाएगा तब महाराज आएंगे, और फिर जब जाओ तब शुरू होता है। अब उसके बाद कोई भी कुछ भी बोलते हैं तो अब सब में मन नहीं लगता ना, सबकी बात उतनी सुनने लायक नहीं होती है, तो स्वाभाविक है उस समय नींद आ जाएगी। जब मन लगने की बात होगी तब नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, कोई ऐसा ऐसी कोई बात बोले कि उसमें मन लग जाए तो नींद भाग जाएगी, तो दोनों कारण है। नींद से कम से मतलब नहीं है उसका, वो अरुचि से ही मतलब है। गुरुजी ये सब हटा दो, पूरी नींद वही मिल गई। हाँ, क्या करेंगे, मन नहीं लगता। कोई ऐसे बोलते हैं वही वही चीज़ें हैं, वही वही बातें हैं, तो ठीक है, अब मन रखने के लिए सब सुनना पड़ता है, लेकिन मन लगता नहीं, ये है बात। और अब तो लगभग समय हो गया, आज तो यही था, आज का यही समय था, पूजन है, आज तो यही था, भगवद गीता हो चुकी है, संपन्न।
ठीक है, और किसी का कोई बात है? हैं? चलो जी, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।